judges the score? Yes! Perfect 10! Yay! लोगों को ये पसंद है। एक परफेक्ट नमूना कहना बेहतर होगा। Come on, पानी में कूद पड़ो। प्लीज क्या पता कैसी भयानक और अजीबोगरीब चीजें वहाँ मंडरा रही होंगी। मैंने साबित कर दिया। अगर तुम भीगने से डरती हो तो यहाँ कैंपिंग करने क्यों आई? अब बस भी करो छटकू। ए, ये क्या हो रहा? अच्छा मजाक है बेन, पर मैं नहीं फंसने वाली। बेन, बेन, तुम्हारा चेहरा तो सच में देखने लायक था। वाकई मजा आ गया। तुम बुरी तरह फंसोगे जब मैं ग्रैंडपा को बताऊंगी। यकीन नहीं होता वो बुद्धू बन गई। तालाब में मॉन्स्टर, ये भी कितनी डरपोक है। मुझ पर अभी अभी एक जायंट लेक मॉन्स्टर ने हमला किया। हेलो, भूल गए तुम मुझ पर ये जोक आजमा चुके हो। पर इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा। Come on, चैम, मुझे सोने दो। पर ग्रैंडपा। और तुम भी सो जाओ। याद है ना कल सुबह सुबह हमें फिशिंग ट्रिप पर जाना है। नहीं सचमुच वो बहुत बड़ा था और उसकी आंखें लाल और चमकीली थी। मुझे यकीन है वो किसी तरह की बड़ी मछली होगी और कुछ नहीं। हाँ, इसीलिए अपनी मॉन्स्टर वाली कहानी पर ताला लगा दो, समझे जोकर? ब्रेकफास्ट। ओह बेन, कितना गंदा है ये बाल्टी भर कीड़े। किस लिए ग्रैंडपा? जा रहा। अच्छा, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके साथ फिशिंग पर ना आऊँ। उससे बेहतर है कि मैं यहीं रुककर अपना वक्त बिताऊँ। ठीक है, पर तुम नहीं जानती तुम क्या मिस करोगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कैप्टन शॉ, कौन हो बोलो? मैं हूँ मैक्स टेनिसन और यह है मेरा पोता बेन। आज हमने आपकी बोट एक फिशिंग ट्रिप के लिए बुक की है। तो क्या इनविटेशन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं? आ जाइए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो आज तालाब में कुछ दिलचस्प है पकड़ने के लिए? अजी जो चाहिए उठा लीजिए। देखिए आपका पोता अपना नाश्ता मछलियों का चारा बना रहा है। बेन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं बस उस लेक मॉन्स्टर पर नजर रख रहा हूँ ग्रैंडपा। अब की बार वो मुझे बिल्कुल डरा नहीं सकता। वो देखो हो रहा। ओ, गलती हो गई। सुनो बेन, हम यहाँ फिशिंग करने के लिए आए हैं, कोई मॉन्स्टर को ढूंढने नहीं। क्रैकन कहते हैं उसे। वो, आप उसके बारे में जानते हैं? उसके बारे में जानना ही तो मेरा काम है। सालों से उसके पीछे पड़ा हूँ, लोग मुझे पागल कहते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था। लोगों ने सैकड़ों सालों से उसे इसी तालाब में देखा है। कुछ कहते हैं कि सिर्फ कहानी है, पर मैं नहीं। मैं आपको उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ मैंने खुद उस जानवर को देखा था। मतलब अगर आपको असली एडवेंचर की भूख हो तो। हाँ शायद है। सोनार, हाई डेफिनेशन वीडियो सेटअप, अल्ट्रासाउंड, मेरे पास सब है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। आप सब देख लेना, वो हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकता। बेन, मैं नहीं चाहता कि तुम मिस्टर शॉ की बात पर ज्यादा ध्यान दो। मुझे नहीं लगता उनका दिमाग पूरी तरह से ठीक है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? क्यों, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भी क्रैकन को देखा है? Do not enter. क्या चल रहा है यहाँ? काम चल रहा होगा, चलो वापस चलते हैं। Nonsense. ये मेरा तालाब है और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ। फिशिंग बोट, जहाँ हो वहीं रुको। मेरा नाम है जॉना मेलविल, फ्रेंड्स ऑफ फिश का फाउंडर।
हमने तालाब का यह हिस्सा एक एनवायरमेंटल स्टडी के लिए बंद रखा है। आपको अपनी नाव मोड़नी होगी। नहीं मोड़ा तो क्या कर लोगे मछली के दीवाने? आज के लिए मैंने आपकी बोट बुक की है, इसलिए मैं इंचार्ज हूँ। मेरी बात सही है ना कैप्टन? मगर उस क्रैकन का क्या ग्रैंडपा? क्रैकन फिर वही घिसी पिटी कहानी। देखो मैं एक मरीन बायोलॉजिस्ट हूँ, और जो लोग कहते हैं कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को देखा है वो सिर्फ बेसिर पैर की बातें करते हैं। सोनार सिग्नल, हमें कुछ मिला है या किसी को हम मिल गए? देखिए ये तो क्रैकन है। डॉक्स की तरफ जा रहा है। आखिरकार सूरज निकल ही आया, और अब मेरा घन चक्कर कजन भी आ नहीं है तो मैं आराम से रिलैक्स कर सकती हूँ। जाने ये बेन मेरे साथ ये मजाक और कितनी बार करने वाला है। तो ये बेन नहीं है। मैंने कहा था ना, वो सच में है। क्रैकन हकीकत है। अभी चलो बहस बाद में, किसी को तो उन लोगों को बचाना होगा। बचाने आ रहा है। हे, मैंने रिप जॉस कहा, एक्सेलरेट नहीं, स्टूपिड वॉच। अब पहली कोशिश। लगता तो है मुझे बच। मदद के लिए थैंक्स, तुम बहुत तेज हो। उस क्रेट में इतना क्या इम्पोर्टेंट है जिसके लिए तुमने इतना खतरा उठाया? हमारा लंच। थोड़े से खाने के लिए तुम उसका खाना बनने जा रहे थे? मुझे जाना है। लगभग पहुंच गया, मुझे लगता है गया। पहुंच गया। कोई गिर गया। शॉ, बेन पानी में है, बोट को उसके पास ले चलो। अगली बार मेरे सामने आओगे तो बच कर नहीं जा पाओगे। देखा, मैंने कहा था ना, वो वही था जिसने मुझे कल रात खाने की कोशिश की थी। कैप्टन शॉ और मैं सही थे। वो क्रैकन के बारे में सही था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बारे में गलत हूँ। मैं चाहता हूँ तुम उस आदमी से दूर रहो, वो खतरनाक है। आप बेकार में जिद कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है ना। हम ये मामला एक्सपर्ट्स पर छोड़ देंगे बेन, जैसे कि वो फ्रेंड्स ऑफ फिश वाले। एक्सपर्ट्स? एक लेक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए मुझसे बेहतर कौन होगा जिसकी घड़ी में मॉन्स्टर पकड़ने की तरकीबें हों? मुझे लगता है इस बार ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटे। बेकार नाकारा मछली के दोस्त कहेंगे। कैप्टन शॉ, क्या बात है? उस ढोंगी बदमाशों की हिम्मत देखो, उन्होंने पूरा तालाब बंद कर दिया। मुझसे कोई नहीं कहेगा कि मैं कहाँ नाव चलाऊं, और कोई मुझे उस अनमोल चीज को पकड़ने से नहीं रोक सकता। कोई नहीं।